इस्लामिक तालीम के सबसे बड़े मरकज़ दारुल उलूम देवबंद ने एक तालिबानी फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छात्र इंग्लिश को नहीं पढ़ सकेंगे और ना ही इंग्लिश के शब्दों का किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकेंगे। दारुल उलूम के उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने यह फरमान कल जारी किया है। इस फरमान के तहत दारुल उलूम देवबंद के अंदर जितने भी छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं वो कभी भी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही इंग्लिश से अपना कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। अगर यदि कोई छात्र ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि अपने बेबाक फतवों और कई फरमानों को लेकर दारुल उलूम देवबंद हमेशा से चर्चाओं में रहा है और एक बार फिर से दारुल उलूम ने जो फरमान जारी किया है उसके बाद से फिर से दारुल उलूम सुर्खियों में आ गया है। देवबंद से विकास कपिल। दारुल उलूम के संचालकों को सीधा सीधा दो शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारत है, ये भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। भारत ना फतवों से चलता है ना शरीयत से चलता है। भारत अपने देश के संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नियम कायदों के आधार पर चलता है। इस देश के अंदर रहने वाला नागरिक स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा। किसी के द्वारा थोपे गए निर्णयों के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता।